नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमने म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इन सब पर चर्चा करी थी और लास्ट में हमने आपसे INVTS इन्विटीज पर चर्चा करी थी। पूरा नाम था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये आपका रीट्स जैसा ही मामला था, बस इसमें अंतर ये था कि इसमें जो पैसा लगाया जाता है, जो निवेश किया जाता है, वो आधारभूत संरचना क्षेत्र में किया जाता है। आधारभूत संरचना क्षेत्र का मतलब सड़क, दरगाह, एयरपोर्ट, इन सब में पैसा लगाया जाता है। पैटर्न इसका रीट्स जैसा ही होता है। तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बॉन्ड्स और डिबेंचर और कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। बॉन्ड्स के प्रकार क्या होते हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। डिबेंचर्स को हमने आपसे पहले भी बताया था कि इसे हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं और बॉन्ड्स को बॉन्ड्स ही लिखा जाता है। आप इसे देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो आइए देखते हैं। बॉन्ड और ऋण पत्र अर्थात डिबेंचर ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं। इनसे क्या काम किया जाता है, ऋण जुटाया जाता है। ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं, ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं। लेकिन दोनों में एक मुख्य अंतर होता है, लेकिन दोनों में एक मुख्य अंतर होता है, एक मुख्य अंतर होता है, मुख्य अंतर होता है कि बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं। कि बॉन्ड क्या होते हैं साथियों, सिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, जबकि जबकि डिबेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं, जबकि डिबेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब है कि इन पर गारंटी होती है। अगर गारंटी नहीं है तो पीछे कुछ चीजों को रखा जाता है, बैकअप किया जाता है। जैसे मैं सोना रखकर बॉन्ड निकालूं, जितना सोने की वैल्यू हो उतने की बॉन्ड निकालूं, तो मैं बैकिंग कर रहा हूं। तो इस सेंस में बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। बॉन्ड क्या हो जाएंगे साथियों, सिक्योर हो जाएंगे। अगर मैं पैसा नहीं दूं या नहीं दे पा रहा हूं तो सोना बेचकर पैसा दिया जा सकता है, या फिर कोई बैंक या वित्तीय संस्थान गारंटी दे दे तो बॉन्ड क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। मैं नहीं दे पा रहा हूं तो ये लोग दे देंगे। फिर जबकि क्या होगा कि डिबेंचर जो है वो आपका, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, ये कंपनी की प्रतिष्ठा पर निकलते हैं। इसलिए कई बार लोगों का पैसा डूब जाता है, क्योंकि पीछे इनके कोई गारंटी या बैकअप नहीं होता है। बॉन्ड्स के प्रकार मैं आपको बताऊंगा, डिबेंचर के प्रकार वो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमें GS पढ़नी है साथियों, कॉमर्स नहीं पढ़नी है। डिबेंचर के प्रकार उकार वो सब वहीं पर पढ़ा जाता है या नहीं। आइए बॉन्ड्स के प्रकार को देखते हैं हम लोग। तो नंबर एक, मसाला बॉन्ड। हंसिएगा नहीं, बॉन्ड्स के प्रकार हैं। खाने पीने के चीजों के नाम पे भी ये सब निकाल दिए जाते हैं। इन्हें आइए देखते हैं इसके बारे में। इन्हें RDBs पूरा नाम होगा इसका, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स भी कहते हैं, बॉन्ड्स भी कहते हैं, कहते हैं। ये बॉन्ड्स विदेशों में निकाले जाते हैं। कहाँ निकाले जाते हैं, विदेशों में। जैसे ADR और GDR हमने आपको बताया था, कुछ उसी टाइप का मामला है। ये बॉन्ड्स विदेशों में निकाले जाते हैं, परंतु उसमें क्या था कि ADR अगर निकल रहा है तो डॉलर में निकलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या होता है कि विदेशों में निकलता अवश्य है, परंतु ये भारतीय रुपए में होता है। ये बॉन्ड्स विदेशों में निकाले जाते हैं और भारतीय रुपए में होते हैं, निकाले जाते हैं और भारतीय रुपए के होते हैं, और भारतीय रुपए के होते हैं, भारतीय रुपए के होते हैं। मसाला बॉन्ड्स शब्द का प्रयोग, मसाला बॉन्ड्स शब्द का प्रयोग पहली बार
शब्द का प्रयोग पहली बार आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था जो कि विश्व बैंक की एक सहायक संस्था है संस्था है। भारत से ये बॉन्ड निम्न के द्वारा जारी किए जाते हैं। कौन कौन इन्हें जारी करता है भारत की ओर से, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं साथियों। तो गवर्नमेंट कंपनी इसको जारी कर सकती है, कोई सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी से जारी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी। बॉडी कॉरपोरेट, यही शब्द आपको नया लग रहा होगा, अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। बॉडी कॉरपोरेट और भारत के बैंक्स इसे जारी कर सकते हैं, इंडियन बैंक्स। रीट्स जारी कर सकता है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, और इनविटीज INVTS ये जारी कर सकते हैं। अब ये बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है? बॉडी कॉरपोरेट का मतलब ये होता है कि ऐसी सरकारी कंपनी जो पार्लियामेंट्री एक्ट के जरिए स्थापित की गई हो, मतलब संसद में अलग से कानून बनाकर जो कंपनी स्थापित की गई हो, उसे क्या कहा जाता है? बॉडी कॉरपोरेट कहा जाता है। बात क्लियर हुई आपको? और ये जो गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, ये क्या होती है कि ये कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी कंपनी होती है। बात क्लियर हुई? गवर्नमेंट कंपनी को हम बॉडी कॉरपोरेट नहीं कहते हैं। ये जो कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी अधिनियम के तहत की कंपनियां हैं। बात क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर दो, महाराजा बॉन्ड्स क्या होता है? IFC, जिसका पूरा नाम हमने अभी बताया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC द्वारा भारत में निकाले गए आरडीबीज को महाराजा बॉन्ड्स कहते हैं। ये सब फैक्चुअल बातें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तीसरा बॉन्ड्स होता है आपका ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है? ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आदि के वित्तीयन के लिए निकाले जाने वाले बॉन्ड्स को ग्रीन बॉन्ड्स कहा जाता है। ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। तो जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के लिए निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन बॉन्ड्स कहा जाता है। अगला देखते हैं, नंबर चार, ग्रीन मसाला बॉन्ड। ये क्या होता है कि ऐसे मसाला बॉन्ड्स जिन्हें ग्रीन प्रोजेक्ट्स, नाम से ही पता लग रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए निकाला जाता है,
की फाइनेंसिंग के लिए निकाला जाता है, के लिए निकाला जाता है, निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन मसाला बॉन्ड्स कहा जाता है। ये सब पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस जैसा, फैक्चुअल बातें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगली चीज है ब्लू बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, तो इसको मैं नीले पेन से ही लिख देता हूँ, ब्लू बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड जो जो जल संसाधन वाटर कंजर्वेशन, मत्स्य यानी मछली, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था अगर आपने पढ़ा या सुना हो, मत्स्य संसाधन आदि के संरक्षण के लिए, आदि के संरक्षण के लिए वित्त जुटाने हेतु, वित्त जुटाने हेतु निकाले जाते हैं। ऐसे बांड जो जल संसाधन, मत्स्य संसाधन आदि के संरक्षण के लिए वित्त जुटाने हेतु निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? ब्लू बॉन्ड्स कहा जाता है। वर्ष 2018 में सेशल्स, ये कंट्री का नाम है, सेशल्स कंट्री के द्वारा इन्हें पहली बार जारी किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में सेशल्स की राजधानी और करेंसी बतानी है। ब्लू शब्द से अभिप्राय क्या होता है? वाटर और ये फिशरी से ही होता है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है अलग मतलब हो, है ना रामलालो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। कूपन का मतलब ब्याज, और इसके आगे क्या लगा है? जीरो, तो यानी जिस पर ब्याज नहीं मिलता है, इस पर ब्याज नहीं मिलता है, इन्हें डीप डिस्काउंटेड या डीप डिस्काउंट ही आप कह दीजिए, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, नाम से ही पता चल जा रहा है, इस पर कोई ब्याज दर नहीं होती है, इस पर कोई ब्याज दर नहीं होती है, ब्याज दर नहीं होती है, नहीं होती है। अब जब ब्याज दर नहीं होगी तो फिर इन्हें खरीदेगा कौन, है कि नहीं? तो इन्हें फिर डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के आधार पर जारी किया जाता है, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के आधार पर जारी किया जाता है, आधार पर जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। और डिस्काउंट टू फेस वैल्यू हमने आपको पढ़ा रखा है, किसके दौरान? जब हमने आपको सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और सीपीज, कॉमर्शियल पेपर्स, ये सब जब पढ़ाया था, है ना, संगठित मुद्रा बाजार में, तो आपको याद होगा भाई। तो ये चर्चा में रहता है साथियों, तो इस पर यूपीएससी कभी भी प्रश्न पूछ सकती है। अगला देखते हैं, जंक बॉन्ड्स। जंक, जंक का मतलब जो खराब है, जो बाहर के खाना हम लोग खाते हैं उनको हम लोग जंक फूड्स भी कहते हैं, है कि नहीं? तो ये अत्यधिक जोखिम वाले, अत्यधिक जोखिम वाले बॉन्ड्स होते हैं, अत्यधिक जोखिम वाले बॉन्ड्स होते हैं। अब जब जोखिम ज्यादा है तो इस पर ब्याज दर भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अत्यधिक जोखिम वाले बॉन्ड्स होते हैं, इन पर ब्याज दरें, इन पर ब्याज दरें अधिक होती हैं, ब्याज दरें अधिक होती हैं। रिस्क है ना भाई, तो रिस्क है तो इसका मतलब जब बेचना है तो ब्याज दरें आपको अधिक देनी पड़ेंगी, ब्याज दरें अधिक रखनी पड़ेंगी, इन पर ब्याज दरें अधिक होती हैं। आप इसको समझे ऐसे कि मान लीजिए कि आपके गांव में कोई क्रेडिट फॉल्ट वाला आदमी है, लोगों से पैसे उधार ले लेता है, टाइम पर देता ही नहीं है, लटका देता है, तो लोग क्या करेंगे? फिर उसको पैसे देना बंद कर देंगे इसी हरकत की वजह से। अब अगर उसे पैसे उधार लेना हो तो फिर वो क्या काम करेगा? लोगों को लालच देगा, ग्रीड देगा उनको कि मैं 20% महीना ब्याज दूंगा आपको, मेरे को पैसे दे दो। तो ये बॉन्ड्स भी ऐसे होते हैं, तो जब 20% ब्याज वो देगा तो फिर लोगों को लालच आएगा, तो हो सकता है कि वो लोग उसे पैसे पुनः उधार दे दे। चलिए अगला देखते हैं, परपिचुअल बॉन्ड्स, परपिचुअल बॉन्ड्स।
ये परपिचुअल बॉन्ड्स, आपने परपिचुअल ऑफेंडर्स सुना है, ऐसे लोग जिनकी आदतें मतलब कभी नहीं सुधरती हैं, खराब हरकतें होती हैं, तो ऐसे ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनकी समयावधि कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसे बॉन्ड्स जिसकी समयावधि कभी समाप्त नहीं होती है और इसमें इक्विटी और ऋण दोनों के गुण होते हैं। बॉन्ड्स है तो ऋण जुटाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऋण जुटाने के साथ साथ इसमें क्या होता है, इक्विटी का भी गुण होता है। इसमें इक्विटी और ऋण दोनों के गुण होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से इसको हाइब्रिड भी कहा जाता है। दोनों के गुण है ना, संकरण, ये हाइब्रिड होते हैं। बात क्लियर हुई, आगे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके इसको। आप जैसे मैं पैराग्राफ वगैरह अगर नई लाइन से चेंज कर रहा हूं तो आप भी ऐसे लिखिए उसको, अन्यथा में मत लीजिएगा कि ये तो यहां से लिख रहा है वहां से लिख रहा है। बेजल थ्री मानकों के अंतर्गत इन बॉन्डों के माध्यम से, बॉन्ड्स ही लिख लेते हैं, इन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई गई पूंजी एडिशनल टीयर वन पूंजी में एक सीमा तक सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इन्हें कई बार AT1 बॉन्ड्स भी कहा जाता है। जो जुटाई गई पूंजी होगी उसे एडिशनल टीयर वन पूंजी में एक सीमा तक सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इसी आधार पर हम लोग इसको क्या कह देते हैं, कई बार AT1 बॉन्ड्स भी कह देते हैं। अगला देखते हैं साथियों, एलिफेंट बॉन्ड्स ये क्या होता है। 2019 में एक गठित की गई थी कमेटी, 2019 में, और उस कमेटी का नाम जो था वो था सुरजीत भल्ला। 2019 में गठित सुरजीत भल्ला समिति द्वारा इन बॉन्ड्स का सुझाव दिया गया था। समिति के अनुसार इन बॉन्ड्स के माध्यम से काले धन का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाना चाहिए। समिति के अनुसार इन बॉन्ड्स की समयावधि
25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। परंतु भारत में ये अभी तक लागू नहीं किया गया है। जो अच्छी चीजें हैं वो अभी लागू नहीं हो पाई हैं। बात क्लियर हुई? अभी तक लागू नहीं किया गया है। जिनके पास काला धन हो उनका काला धन लेकर उसे किसमें निवेश कर देना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इसी बात के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। समिति का यही सुझाव था कि उनका पैसा इसमें 25 वर्षों के लिए लगा दिया जाए जिनके पास ब्लैक मनी है। एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर क्या सुधार भारत में किया जा सकता है, भारत का निर्यात कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ये ग्रुप बना था। उसी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था। तो आज के अंक में साथियों हम लोग इतना ही देखते हैं। कल की क्लास में हम लोग पूरी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे मनी मार्केट वाला। तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को या सीखने को मिला होगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।